सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज बन रहे हैं वायरल, मोस्ट 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 वायरल चिकन ड्रमस्टिक्स। और जो ये बन रहे हैं, ये पोटैटो के साथ बनेंगे, मैश्ड पोटैटो के साथ। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट हैव वाली रेसिपी है। एंड डू ट्राई एंड डू लेट मी नो, ओके। यहाँ मैंने चिकन के लेग पीस मंगवा के अम्मी से वॉश करके रख लिए थे। ये 2 kg चिकन थी और इसके हेल्दी हेल्दी जो चिकन थी वो मैंने मंगवाई थी, बड़े बड़े थिक थिक से बाजू, जैसे पंजाबियों के होते हैं वैसे वाली। सो अम्मी ये मेरी चिकन लेके आ गई थी। और अब आते हैं रेसिपी की तरफ। आलू जो है मैंने 1 kg के करीब, 1 kg ही आलू थे, वो कट करके सेंटर से बॉईल करने रख दिए थे। और ये डिफरेंट साइड पे मैंने एक मीडियम साइज़ का जो अनियन है वो चॉप कर दिया था। और इसमें मैंने 1 tablespoon के करीब काली मिर्च डाल दी थी पिसी हुई, और थोड़ा सा इसमें मैंने सिरका डाला था। और मैं इसको पानी डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके, गलने के लिए पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। और आपको पता है कि मेरी जो एक प्रो टिप है आप सबके लिए, वो ये है कि जब भी आप मीट रखें, कोई सा भी मीट रखें उसको गलाने के लिए, तो आप उसमें लाजमी थोड़ा सा जो ऑयल है वो आप ऐड कर दें। उससे जो है आपकी चिकन या जो भी मीट है वो बहुत मॉइस्ट हो जाता है। और ये जो मेरा कोरिएंडर पाउडर है वो मैं ऐड कर रही हूँ, जो मैं घर में बना के रखती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, अपने टेस्ट के हिसाब से। पिसा हुआ गरम मसाला है अपने टेस्ट के हिसाब से। और जैसे ये ऑयल ऐड करेंगे हम, ये ऊपर शाइन आ जाती है ना मसाले में मिक्स करके, इसी तरह बोटी में भी टेंडरनेस और मॉइस्टनेस रहती है। और ये जितना पानी मुझे चाहिए था, चिकन इसमें डिप हो गई है अच्छे तरीके से, मैंने बस ये हाई फ्लेम पे कर दिया है और स्टोव को अपने और इसको लेट से कवर कर दिया है। और अब मैं वेट कर रही हूँ इनके गल जाने का। और ऑन द अदर हैंड मैंने नज़र रखी हुई थी, गाजी यहाँ मेरे साथ बैठा हुआ है, ये मेरा डानू है पुमडो। पानी ला रही है, आप ही ला रही है। तू है तो मुझे मुझे तो कहता ये वो कैसे हम मम्मा को डराते, काट खाएगी। पहले बता दे कैसे डराते, काट खाएगी, सो जा मेरी चंदा। नो पहले बोम डे। सो रहान गाजी की जो मस्तियाँ हैं वो मेरे साथ चलती रहती हैं। और बस वो जम मार के यहाँ बैठ जाओ करके उड़ गए थे। और मैं ऑन द अदर हैंड चेक भी कर रही थी साथ साथ पोटैटोज को भी और चिकन को भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी इसको गलाना नहीं था कि वो बिल्कुल मतलब चूरा हो के टूट टूट के गिरे। थोड़ी सी मुझे उसमें थिकनेस भी रखनी थी बोटियों में, तो उसको भी मैं चेक कर रही थी मीट को, और साथ साथ पोटैटो को भी चेक कर रही थी। पोटैटो अभी जो है उसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो उसको मैंने वापस स्लो फ्लेम पे कर दिया था। और इसको भी मैंने लिड दे दी थी कि ये अपने ही पानी में ड्राई हो। और ये अभी इस पॉइंट पे जब मैंने चेक किया तो ये पोटैटो अच्छी तरह गल चुके थे। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने बड़ी मज़ेदार सी दाल बनाई थी और ये राइस भी बॉयल कर लिए थे। तो दाल चावल बना रहे थे, दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ दिल चाहता है कि मज़ेदार सा बना हुआ हो, शामी कबाब हो या कोई भुना हुआ गोश्त हो या कुछ हो। तो आज हमने इसको पेयर अप किया था चिकन फ्राइड ड्रमस्टिक्स के साथ। सो गाइस, मेरी एक और प्रो टिप है कि मैं ये कभी भी ना, जैसे वो सब लकीर के फ़कीर बने हुए होते हैं रेसिपीज़, में उस तरह फॉलो नहीं करती। मैंने इतना ही पानी डाला था जिसमें ये चिकन गल जाए, और मैं बॉईल नहीं करती। और मैंने इसको श्रेड कर लिया था, तो आप देख रहे हैं ये बोटियाँ जो है वो धागे धागे की तरह हुई हैं श्रेड, बिल्कुल चूरा नहीं हुआ, हलवा नहीं बना। इसको फिर आटे की तरह मैंने पोटैटोज़ को और चिकन को जो है वो श्रेड करने के बाद चान कर लिया था अच्छी तरह, जैसे आटा गूंथते इस तरह मैं कर रही थी। पोटैटोज़ को अलग मैश किया था, और ये आपको मेरे नकल्स रेड रेड दिख रहे होंगे, मेरी जो स्किन है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। सो मैं स्पाइसेस में हाथ डालूँ या कोई भी काम करूँ तो ये मेरे इस तरह से रेड रेड पैचेस पड़ जाते हैं। सो अदर साइड पे हमने मंगवा लिया था डॉन का जो है ब्रेड क्रम्स रहमत अंकल से। और ये जितनी भी लेग पीस थी उनके चिकन रिमूव करने के बाद उनकी बोन्स को वॉश करके
और इस मिक्सचर में थोड़ा सा धनिया डाल दिया था क्योंकि वो मेरा एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एज़ यू नो गाइस। तो बस धनिया डाल के उसको गूंद के हमने रख लिया था, और जो बोन्स हैं वो भी मैंने वॉश कर ली थी बहुत अच्छी तरीके से। और फिर हमने एक तरफ 2 या 3 अंडे फेंट लिए थे, तानिया ने मुझे अंडे फेंट के दे दिए थे, मैं ब्रेड क्रम्स निकाल रही थी एक बाउल में। और अच्छा, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, आप चिकन बॉयल जब करेंगे उसका टेस्ट अलग होगा जो पानी में स्ट्रेन करेंगे, और एक चिकन जिसको आप मतलब के उसी पानी में गला लेंगे उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। अब जो लेग की शेप होती है चिकन की, वही शेप देनी है इसको बोन को, और इसको मिक्सचर को उस पर फिट कर देना और टर्न करके ना इसको थोड़ा सा ऐसे दबा भी देना है हड्डी के पास से। और पहले सबसे पहले तो आपको एक बॉल सा बनाना है, और उसके बाद उसमें इंसर्ट करना है हड्डी को, इसकी बोन को, और शेप दे देनी है बिल्कुल लेग पीस की। सो ये मैंने कढ़ाई में जो ऑयल है वो हीट अप कर लिया था, और बोन्स इतनी थी नहीं तो जो बाकी का मिक्सचर लेफ्ट ओवर था उसको मैंने ऐसे टिकियों की तरह बना लिया था, शामी कबाब की तरह मोटा मोटा सा। लेकिन अब मैंने ये टेम्परेचर चेक कर रही थी कि जो ऑयल है वो हीटिंग पॉइंट पे आ गया कि नहीं, लेकिन ऑयल जो है वो हीटिंग पॉइंट पे आ चुका था। अब मैंने इसमें ये लेग्स डाल दी थी 1 by 1। सो गाइज, तो ये बड़े प्यारे से गोल्डन कलर में फ्राइड हो रहे थे, और उसकी साइड जो है मैंने फ़्लिप कर दी थी, और आप देखें इसका कलर, और ये जो फर्स्ट लॉट है वो हमने निकाल ली थी, और ये कितने हसीन यमिलीशियस लग रहे हैं। और लिटरली ये बने भी बहुत 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 मज़ेदार थे, मेरे भाई और उनकी फैमिली आई हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, डाइनिंग टेबल जो है वो सज गया था बहुत अच्छे से माशाल्लाह से, और ये दस्तरखान की हमारी रौनक थी। सो डू ट्राई गाइज, अपनों के लिए कुछ करके बहुत सुकून मिलता है, और आप भी ये रेसिपी ट्राई करिएगा एंड डू लेट मी नो। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।